आंसुओं से गाल गीले हो गए थे, बहुत मीठे करीले हो गए, दिल रुबा तो हो गई किस यार की। माँ शोधी को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी सुथी श्रोतागणों को प्रणाम करता हूं, बिना किसी भूमिका का मैं एक मुक्तक अपने देश के नाम मैं करता हूं, और आपका समर्थन आपका आशीर्वाद मुझे तालियों तक पहुंचे मुस्तक। एक दिन इस जहां से चला जाऊंगा, दिल की हर दास्तां से चला जाऊंगा, आपका प्यार मुझको अगर ना मिला फिर तो बेरंग यहां से चला जाऊंगा, फिर तो बेरंग यहां से चला जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। आज गांधी जयंती के मौके पर हमारी पूरी परिवार पूरा परिवार मेरा यहां बैठा हुआ है, पीछे मेरे पिताजी, यहां मेरे दादाजी, और इस कार्यक्रम के लिए जो व्यवस्थापक जी हैं हमारे चाचा जी श्रीनिवास सिंह जी, इन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहित किया इस कार्यक्रम के लिए, और बिना सर के आज्ञा का इस कार्यक्रम को संभव या सफल नहीं हो पाता। मैं इन सबों के लिए चाहता हूँ एक जोरदार तालियों से हमारे कमांडेंट सर के लिए और हमारे व्यवस्थापक सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। गांधी जयंती के मौके पर मैं एक मुक्तक देश के नाम करता हूँ, फिर आपका आशीर्वाद। स्वागत स्वागत। देश प्रेम में दिल सबका दिल शाद रहे, आपका समर्थन मिले मुझे। देश प्रेम में दिल सबका दिल शाद रहे, रहे न भेद धर्म का हम आबाद रहे, नफरत की चिंगारी को ना हवा मिले, अपना वतन ये सदा ही जिंदाबाद रहे, अपना वतन ये सदा ही जिंदाबाद रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं एक मुक्तक अपने इस खाकी वर्दी के नाम पढ़ता हूँ, आपका आशीर्वाद मुझे। मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे सबसे अधिक प्रेम इस मुक्तक पर हमको आप वहाँ से प्रेषित करें कि पूरा सभागार तक यह बात पहुँचे कि हमारी खाकी, हमारे पुलिस के जवान हमारे देश के लिए कितना हम लोग के लिए प्रयत्न करते हैं कि हम लोग सुरक्षित से रह सके, अपने घरों में चैन की नींद सो सके। मैं एक उनके लिए एक मुक्तक पढ़ता हूँ, आपका आशीर्वाद। स्वागत है, स्वागत है। सितम हो लाख चाहे भी ये खाकी फिर भी हंसती है, सितम हो लाख चाहे भी ये खाकी फिर भी हंसती है, बिना इनके कहूँ तो सच हमारी शान सस्ती है, सहारे की जरूरत जब भी पड़ती है मुसीबत में, सहारे की जरूरत जब भी पड़ती है मुसीबत में, यही है वर्दियाँ जिनसे हलक में जान बसती है, यही है वर्दियाँ जिनसे हलक में जान बसती है। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। चूंकि मैं श्रृंगार लिखता हूँ, एक छंद भैया आपके आदेश में पढ़ रहा हूँ, आप सबों का आशीर्वाद मिले, स्नेह मिले। रूप की तिजोरी को अंजूरी में समेटे हुए हुए खोल मुट्ठियों को बार बार देखता हूँ मैं, रूप की तिजोरी को अंजूरी में समेटे हुए हुए खोल मुट्ठियों को बार बार देखता हूँ मैं, आँखों में छपा जो एक मूरत लगे है मानो उसके ही सपने हजार देखता हूँ मैं, मुखड़े का तेज लगे मानो रात चांदनी हो, अपनी शक्ल चार बार देखता हूँ मैं, अपनी शक्ल चार बार देखता हूँ मैं, चुप किस नयनों पे हाथ जब रखती है, चुप किस नयनों पे हाथ जब रखती है तो बंद आंखों से भी संसार देखता हूँ मैं, बंद आंखों से भी संसार देखता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। मैं कविता भैया देश मिले तक विशेष मैं सुनाना चाहता हूँ। अब कहानी नहीं है हमारी कोई, अब मैं कविता क्यों लिखता हूँ, अब कहानी नहीं है हमारी कोई, जिंदगानी नहीं है हमारी कोई, यूं तो जगते हैं हम रात भर शौक
तो जगते हैं हम रात भर शौक से, दिल गिरानी नहीं है हमारी कोई, दिल गिरानी नहीं है हमारी कोई कोई। इसी के साथ एक तक मैं और पढ़ता हूँ जो काफी लोगों ने पसंद किया, आपका आशीर्वाद मैं इसमें चाहता हूँ। लगाओगी महावर जब तो उसके साथ की मेहंदी, लगाओगी महावर जब तो उसके साथ की मेहंदी, चढ़ेगी देख लेना तुम सवेरे रात की मेहंदी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपने घर में पढ़ रहा हूँ, पहली दफा पढ़ रहा हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद मिला। लगाओगी महावर जब तो उसके साथ की मेहंदी, चढ़ेगी देख लेना तुम सवेरे रात की मेहंदी। तुम्हारे नाम की हल्दी हमें करना लगी तो फिर हमारी जान ले लेगी तुम्हारे हाथ की मेहंदी, हमारी जान ले लेगी तुम्हारे हाथ की मेहंदी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। एक गीत पढ़ता हूँ जो देश भर में भैया ने मुझे स्वागत मंच पर बुलाकर इसके लिए पुरस्कृत किया। मैं एक गीत पढ़ता हूँ, चुकी हूँ कवियों की टीम बहुत लंबी है, जल्दी से कार्यक्रम को समाप्त भी करना है। मैं एक गीत पढ़ता हूँ, साथ उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। मैं चाहता हूँ कि इस गीत पर आपकी जो तालियां हैं मुझ तक भरपूर मिले, क्योंकि ये गीत मुझे भैया ने भी अपने आप बुलाकर इस गीत के लिए सम्मानित किया, और ये हास्य का गीत है। इसके लिए मुझे मुंबई से भी कॉल आया था, मैं वहाँ पर वाहवाही बार टीवी पर मैंने शूट भी किया था। आपका चाहता हूँ खुले मन से बिल्कुल इस गीत को सुने और अपना आशीर्वाद मुझ तक पहुँचा दे। एक कहानी प्रेम में जहाँ इश्क भी चंदन लगे, आपका आशीर्वाद मिले। एक कहानी प्रेम में जहाँ इश्क भी चंदन लगे, उसके संग जब बैठूं मैं तो काश भी लंदन लगे। प्रेम में छल करके हमसे अपने रस्ते वो चली, और वो भी बेवफा निकली, और वो भी बेवफा निकली। क्या क्या दृश्य बना साहब, सुनिएगा। यूं हुआ एक दिन अचानक देखते हम रह गए, हृदय के जो अश्रु फूटे नयन रसते बह गए। यूं हुआ एक दिन अचानक देखते हम रह गए, हृदय के जो अश्रु फूटे नयन रसते बह गए। रोज एक भंवरे के आगे खिल रही थी वो कली, और वो और वो भी बेवफा निकली। क्या क्या दृश्य बना। मुझसे दीपक भाई जी कह रहे थे कि भाई मैंने तीन बार प्रेम किया और मुझे तीनों बार धोखा मिला, क्या इस पे आप कुछ लिख सकते हैं क्या? मैंने तीन बार लिखा है, मैंने काउंटिंग की है, आप अपनी उंगलियों पर गिनिएगा कि मैं उस तीन बार को तीन बार धोखा मिला इनको, मैंने उस तीनों बार को कैसे लिखा। आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। प्रीत की पहली किरण मिलते ही मिलते खो गई, दूसरी कुछ दिन रही फिर दूसरे की हो गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रीत की पहली किरण मिलते ही मिलते खो गई, दूसरी कुछ दिन रही फिर दूसरे की हो गई। तीसरी तो आई लेकिन, तीसरी तो आई लेकिन भूल गई मेरी गली, और वो बेवफा निकली है, और वो भी बेवफा निकली। आप यकीन मानिए मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे घर के मुखिया मेदार जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ क्योंकि श्रृंगार का कवि हूँ। आप लोगों ने मुझे ऐसे ही स्वीकारा है, मेरे पिताजी सामने बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत हिम्मत जुटा के मैं इस गीत को पढ़ रहा हूँ। मैं इस गीत का एक गीत और भूमिका भैया बनाता हूँ, मैं अपना स्थान लेता हूँ।
एक गीत मैं और सुना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस गीत पर शुरू करते ही आपकी तालियों की थाप मिले, क्योंकि ये गीत मैंने सबसे पहले लिखा था और ये गीत काफी लोगों ने पसंद किया। एक गीत मैं और सुनाता हूँ, फिर अपना स्थान लूं। प्रिय देखा जाएगा अधरों पे दिल तुम्हारा देखा जाएगा, हाय भाई देखा जाएगा अधरों पे दिल तुम्हारा देखा जाएगा। पहली बार मिले जो तुम तो खुल गए भाग्य हमारे, फिर जो तुमको मिल गए हम तो हो दुर्भाग्य तुम्हारे। रूप मदीरा हुस्न का हो या वक्त विचारेगा देखा जाएगा अधरों पे दिल तुम्हारा देखा जाएगा, है प्रिय देखा जाएगा अधरों पे दिल तुम्हारा देखा जाएगा। इस बंद में मैं लिखा, मैं इस बंद में लिखा प्रेम को मैं किस प्रकार से देखता हूँ, मैं कैसे प्रेम को परिभाषित कर सकता हूँ। मैंने इस बंद में भैया को एक बगिया की राज दुलारी एक है राज दुलारा, एक बगिया की राज दुलारी एक है राज दुलारा, एक है पावन मुनि प्रेम में एक गंगा की धारा, एक लिखता है गीत गगन में देख पपीहा गाएगा देखा जाएगा अधरों पे दिल तुम्हारा देखा जाएगा, हाय प्रिय देखा जाएगा। मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या चाहता हूँ अपनी जिंदगी में। यहाँ एक मणिकर्णिका घाट है, मैं मेरी क्या इच्छा है उस मणिकर्णिका घाट से मैं उसको व्यक्त करता हूँ। आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, मैं अपना स्थान लूंगा। मेरी इच्छा इतनी सी है जीवन गीत गायनी हो, मेरी इच्छा इतनी सी। मैं रात भर यही पढ़ूंगा, आप लोग तो अगर ताली नहीं बजाएंगे मैं रात भर यही पढ़ूंगा अगर आपने ताली नहीं बजाई तो। मेरी इच्छा इतनी सी है जीवन गीत गायनी हो, सिमटू जिसकी बाहों में मैं अंतिम मोक्ष दायनी हो, धन दौलत सब रह जाएगा कर्म ही लेता जाएगा देखा जाएगा अधरों पे दिल तुम्हारा देखा जाएगा, हाय प्रिय देखा जाएगा अधरों पे दिल तुम्हारा देखा जाएगा। जब कभी कभी कोई प्रेमी नया प्रेम होता है उसकी क्या 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 उसकी क्या व्यथाएं होती है, पढ़ता हूँ नूतन प्रेम पहेली में जब एक जिज्ञासु रहता है, नूतन प्रेम पहेली में जब एक जिज्ञासु रहता है, झांक के देखो नयनों में प्रिय झर झर आंसू बहता है, वंदन जग वंदन अभिनंदन प्रेम पुकारेगा जाएगा अधरों पे दिल तुम्हारा देखा जाएगा, हाय प्रिय देखा जाएगा अधरों पे दिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। चार पंक्ति पढ़ता हूँ, आप लोग पूरे सदन से पूरी तालियां मुझे मिलेंगी। मैं चार चौथी पंक्ति पर पूरा सदन से तालियां चाहता हूँ, फिर मैं अपना स्थान लूंगा। नहीं, फिर मैं एक आध कविता को तैयार रखा हूँ सुनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं चला जाऊँ तो जोरदार तालियां बजाइएगा इस चार पंक्ति के बाद।
आंसुओं से गाल गीले हो गए। क्या स्थिति है भैया, क्या स्थिति है, सुनिएगा। आंसुओं से गाल गीले हो गए थे बहुत मीठे करीले हो गए। दिल रुबा तो हो गई किस यार की, दिल रुबा तो हो गई किस यार की, आज उसके हाथ पीले हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।